मेरा नाम अनीशा तिवारी है और मैं बनारस की रहने वाली हूँ एंड ये मेरी पहली परफॉर्मेंस नहीं है लेकिन नर्वस मैं अभी भी हूँ. ठीक है. सो एंड मैं जर्नलिज्म की स्टूडेंट हूँ तो प्यार व्यार पे लिखना हमको नहीं सिखाया जाता है. हमको जो आसपास की हो रही चीज़ें हैं ना उन्हीं को दिखाया जाता है और उन्हीं पे लिखना सिखाया जाता है. तो मैंने उसी में से किसी एक चीज़ पे लिखने की कोशिश की है. आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा एंड अगर अच्छा लगेगा तो आप ताली बजा सकते हो मेरे में. सो मेरी कविता का शीर्षक है नंगी सड़क. क्या तुमने कभी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से वक्त निकाल कर इस नंगी सड़क की चीखों को सुना है? क्या तुमने कभी अपने सपनों को बक्सों में रख क्या तुमने कभी अपने सपनों को बक्सों में रख दूसरों के सपनों को खोज कर देखा है? अच्छा छोड़ो छोड़ो, तुम्हारी तो सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाती हैं, मगर क्या तुमने दूसरों की ख्वाहिशों को उनकी मुट्ठी से निकलते देखा है? मैंने देखा है. उस रोज मैंने सड़क पर निकलकर इस सड़क की असलियत को देखा है. कहीं लोग छतों के नीचे भी चैन से नहीं सोते लेकिन मैंने खुले आसमान के नीचे भी लोगों को चैन की नींद सोते देखा है. ठंड हो गर्मी या बरसात मैंने हर मौसम में गरीबों को दिन पर दिन सिकुड़ते हुए देखा है. मैंने छोटे छोटे बच्चों को वहीं जन्म लेते और वहीं अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए देखा है. क्या कसूर था उस नन्ही सी जान का मैंने उसको बाजार में बिकते और उन दरिंदों के सामने अपनी जिंदगी की गुहार मांगते देखा है. अब ऐसा होता है कि जो रोड साइड बच्चे होते हैं जब आप लोगों से कुछ मांगने आते हैं तो आप लोग उनको भगा देते हो कुछ ना कुछ बोल के. मेरे सामने तो मैंने बहुतों को ऐसे देखा है, एक्चुअली सबको ही ऐसे देखा है मैंने. तो उसी पे लिखा है कि कुछ मांगने आते हैं तो तुम ठुकरा देते हो उनको मगर मैंने तुम्हारा ही फेंका हुआ खाना उन्हें कूड़े के ढेर में से चुप कर खाते हुए देखा है. वहां भी किसी को पढ़ने का बहुत शौक होगा तो किसी में टैलेंट भरा बेशुमार. मैंने उस देश के भविष्य के टैलेंट को किसी कूड़े के ढेर में जलते हुए देखा है. खैर दुनिया में तो तरह तरह के लोग होते हैं लेकिन मैंने ना जाने तुम्हें क्यों सिर्फ तवायफों और हिजड़ों पर ही हंसते हुए देखा है. खैर अब छोड़ो दुनियादारी की बातें. अच्छा यहाँ पे कौन कौन है जो अपने पेरेंट्स को कहीं और छोड़ के यहाँ पे आके रह रहा है? होंगे और मोस्टली लोग होंगे, मेरे कॉलेज में तो हैं ही. तो उसी पे लिखा है खैर छोड़ो दुनियादारी की बातें. बोल देते हो जो दिल में आता है माँ को, पर क्या तुमने उसे कभी रोते हुए देखा है? खुद तो चले आते हो छोटे शहरों से बड़े शहरों की ओर, मगर तुम्हारे इंतजार में मैंने तुम्हारी माँ को पल पल मरते हुए देखा. और फिर तुम्हारे ही एक फोन कॉल से मैंने उसे दोबारा जिंदा होते हुए देखा है. किसी को भूख से मरते तो किसी को जिंदगी से लड़ते हुए देखा है. किसी को परेशानियों के बाद भी हंसते तो किसी को मरते हुए देखा है. अंत में सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि उतार चढ़ाव तो जिंदगी में आती ही जाती रहती हैं। गिर के उठना और उठ के आगे बढ़ना ही तो जिंदगी का खेल है, मगर गिरते गिरते ना जाने क्यों हम इतना गिर जाते हैं कि हम इंसानियत को ही भूल जाते हैं.